हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्रैमी अवार्ड के बारे में। तो अगर आपने रोजगार विद अंकित की जो स्टैटिक जीके की बुक है उसका रिवीजन नहीं किया है तो मैं आपको कंप्लीट रिवीजन इस क्लास के माध्यम से करा रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले पिछली क्लास देखेंगे, प्लेलिस्ट से जाकर एक एक टॉपिक जो है मैं आपके लिए रोजगार विद अंकित बुक की जो स्टैटिक बुक है उसको अपने तरीके से करा रहा हूँ। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। डियर फ्रेंड, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रैमी अवार्ड की। तो ग्रैमी अवार्ड हम लिखते हैं, शुरू करते हैं। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो सिंपल सा आप जाएंगे वीडियो जो है क्लास की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लास जो है आपका टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ग्रैमी पुरस्कार। तो यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार डालेंगे डिफरेंट्स यहाँ पर। ग्रैमी पुरस्कार की हम बात करेंगे ये क्या है। तो ग्रैमी पुरस्कार को हम क्या है किस नाम से जानते हैं, ग्रामोफोन पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। उसका जो है संगीत के क्षेत्र में कहाँ दिया जाता है, संगीत उद्योग में जो है उपलब्धियों के लिए जो है सिंपल सा एक तरीके से दिए जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंट्स आप जिसका सेकेंड पहला नाम क्या है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रामोफोन पुरस्कार। कौन सा, ग्रामोफोन पुरस्कार, ग्रामोफोन पुरस्कार हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, किसके दे यहाँ पर संगीत उद्योग के क्षेत्र में, कहाँ संगीत उद्योग क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ये, कहाँ उद्योग के क्षेत्र, संगीत उद्योग के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। बात करेंगे इसकी शुरुआत की डियर फ्रेंड्स। तो शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो यहाँ पर डालेंगे शुरुआत। तो इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो कब शुरू हुआ था, तो डियर फ्रेंड्स ये जो शुरू हुआ था आपका तो कब हुआ था, पहला पुरस्कार जो है हमारा 4 मई, यहाँ पर डालेंगे 4 मई 1959 में कब हुआ था। स्टार्टिंग की बात करेंगे तो जो ग्रैमी अवार्ड है जो स्टार्ट हुआ आपका जो है 4 मई 1959 से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे पहला यूएसए पुरस्कार है, क्या है ये, एक तरीके से पहला यूएसए पुरस्कार है। तो लिखेंगे यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लिखेंगे पहला यूएसए, पहला यूएसए पुरस्कार है आपका, ये पहला यूएसए पुरस्कार है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में है आपका कि अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है, ये किसके लिए, यह है अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है। इस तरीके से एक ही पॉइंट हो जाएगा, ये किसके लिए दिया जाता है, ये अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है इससे। उसके बाद ना पहला भारतीय की हम बात करेंगे, पहला भारतीय कौन है जिन्हें मिला था, तो पहले भारतीय की हम बात करेंगे जिनको जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो उसमें किसका नाम आता है, तो हम जब पहले भारतीय की बात करेंगे तो यहाँ पर नाम आपका आता है पंडित रविशंकर। किनका, पंडित रविशंकर का नाम आता है, किस किनका आता है, पंडित रविशंकर का नाम आता है। और कब मिला था इनके लिए, तो आप बताएंगे डियर फ्रेंड्स जो है यहाँ पर इनके लिए मिला था 1968 में, 1968 में इन्हें मिला था। और बात करेंगे यहाँ पर जो है पहली भारतीय महिला कौन थी, तो डालेंगे यहाँ पर पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है डियर फ्रेंड्स, तो उनका नाम है आपका, वो है आपकी कौन, तन्वी साहा। कौन, तन्वी साहा, तो ये इनका नाम हो जाएगा तन्वी साहा। और इन्हें मिला था आपका कब, 2010 में।
तो पहले भारतीय की अगर बात आपसे करें तो पहले भारतीय आपके कौन हो जाएंगे, पंडित रविशंकर, जिनको 1968 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली भारतीय महिला की बात आपसे की जाए तो आप बताएंगे तन्वी शाह, जिन्हें 2010 में क्या है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है, लिखेंगे यहाँ पर रिकी केज, यहाँ लिखेंगे रिकी रिकी केज स्टीवर्ड कोपलैंड के साथ, रिकी केज स्टेड यानी यहाँ पर लिखेंगे स्टीवर्ड कोपलैंड के साथ, कोपलैंड के साथ साथ देवीय स्वार हेतु, किसके लिए देवी स्वार हेतु। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिकी फेज को जो है स्टीवर्ड कोपलैंड के साथ जो है मिला था देवी स्वार हेतु इनको मिला था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आता है आपका जो है फालू। फालू जो है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या है, एक तरीके से एक रंगीन दुनिया के लिए भी मिला है, एक रंगीन दुनिया, एक रंगीन दुनिया के लिए भी इन्हें जो है क्या मिला है, एक तरीके से ग्रैमी अवार्ड मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका जुबिन मेहता, यानी जुबिन मेहता की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं जुबिन मेहता। जुबिन मेहता कौन है, तो जो वो हैं रिकॉर्ड, यानी जुबिन मेहता वो हैं जिन्हें रिकॉर्ड तोड़ यानी सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर क्या है कि ग्रैमी अवार्ड जो है इन्होंने जीते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रैमी अपने नाम किए हैं जुबिन मेहता ने। तो यहाँ पर लिखेंगे आप जुबिन मेहता रिकॉर्ड कितने हैं, तो डियर फ्रेंड्स 23 बार, यानी सबसे ज़्यादा 23 बार इन्होंने क्या किया है एक तरीके से ग्रैमी के लिए जो है, ग्रैमी के लिए जो है नामित हुए हैं, इन्हें क्या है ग्रैमी के लिए नामित किया गया है, कितनी बार 23 बार सबसे ज़्यादा। तो याद रखेंगे आप सबसे ज़्यादा किसे नामित किया गया था, तो आप बताएंगे किसको, जुबिन मेहता को। बात करेंगे यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 5 बार क्या है इन्होंने 5 बार जीता है, 5 बार जो है आपका जो जीता है किसके लिए, तो वो बताएंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सिमझनी के लिए जीता है, किसके लिए सिमझनी। सिमझनी क्या होता है, एक तरीके से वादक होता है या वाद्य यंत्र होता है, वादक तो वो जो बजाने वाला होता है, वो सिमझनी के लिए 5 बार जीत चुके हैं डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में बात करेंगे इन्होंने पहली बार कब जीता था, पहली बार जो है कब जीता था इन्होंने, किसने, जुबिन मेहता ने पहली बार कब, 1981 में जीता था आपका, 1981 में जीता कि इन्होंने, जुबिन मेहता ने। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है हम बात करेंगे यहाँ पर जो है प्रमुख विजेता की बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रमुख विजेता की हम डाल लेते हैं, तो प्रमुख विजेता यहाँ पर डालेंगे, प्रमुख विजेता की बात हम करेंगे तो प्रमुख विजेता कौन कौन है आपके, तो यहाँ पर प्रमुख विजेता हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं प्रमुख विजेता। तो प्रमुख विजेता में सबसे पहला आता है आपको, मैंने बताया था सबसे पहले कौन थे, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड की हम बात करेंगे, सेकंड कौन है, तो सेकंड है आप यहाँ पर रविशंकर ने कितनी बार जीता, तो रविशंकर ने 5 बार, कितना जीता है 5 बार। उसके बाद में नेक्स्ट नेम जो है आपका वो AR रहमान का आता है, AR रहमान, इन्होंने कितनी बार जीता है डियर फ्रेंड्स, तो आप बताएंगे AR रहमान ने जो है यहाँ पर कितनी बार, 2 बार जीता है, कितनी बार, 2 बार, 2 बार जीता है। उसके बाद थर्ड नेम जो आता है आपका वो है क्या है आपका, जाकिर हुसैन बहुत ही प्रसिद्ध नेम है डियर फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन ने कितनी बार जीता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितनी बार, तो आप बताएंगे 2 बार जीता है, कितनी, 2 बार जो है जीता है किसने, जाकिर हुसैन ने। तो यहाँ पर जो है डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ सिंपल सा ये था आपका ग्रैमी अवार्ड, कितना क्या था,
ग्रैमी अवार्ड। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, वैसे इतने ही टॉपिक हैं ग्रैमी अवार्ड से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रैमी अवार्ड को हम किस जो है और नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे ग्रामोफोन पुरस्कार के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद कहाँ दिया जाता है, संगीत उद्योग के क्षेत्र में इसको जो है ग्रैमी अवार्ड को दिया जाता है। जब बात करेंगे यहाँ पर कि शुरुआत इसकी कब हुई थी, इम्पोर्टेंट है याद रखेंगे, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है दिल्ली पुलिस के लिए, जिस किसी एग्जाम में स्टैटिक जीके पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ आपका स्टैटिक जीके में नहीं आएगा। एक एक पॉइंट जो है मैं बुक से लेकर चल रहा हूँ और अपने तरीके से, बुक में तो सीधा लिखा हुआ है, मैं अपने तरीके से यहाँ पर लिख कर लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास नोट्स हैं उनके माध्यम से मैं सही तरीके से आपको करा रहा हूँ, ताकि आप जो है आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर शुरुआत की हम बात करेंगे, तो मैंने बताया कि शुरुआत जो हुई थी 4 मई 1959 को हुई थी ग्रैमी अवार्ड की। उसके बाद बात करेंगे पहला जो है यूएसए एक तरीके से पुरस्कार है, कहाँ का ये पहला यूएसए जो है एक पुरस्कार है। उसके बाद बात करेंगे एक अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए जो है ये दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, कौन सी भाषा के लिए दिया जाता है, ये एक अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए जो है दिया जाता है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है आपका कि पहला भारतीय कौन है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो बात करेंगे पंडित रविशंकर को 1968 में पहली बार जो है यहाँ पर पहले भारतीय थे इनको क्या मिला था कि जो है ग्रैमी अवार्ड मिला था आपका पंडित रविशंकर को 1968 में। फिर बात आती है नेक्स्ट ही कि पहली भारतीय महिला कौन है, पहले व्यक्ति तो आपने देख लिए पंडित रविशंकर है 1968 में जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर पहली भारतीय महिला कौन है, तो तन्वी शाह जो है आपकी, जिनको 2010 में क्या है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन है भारतीय पहली महिला, तो तन्वी शाह, कब 2010 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर आता है रिकी केज स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ जो है यहाँ पर देवी स्वार हेतु उन्हें क्या मिला था आपका जो है एक तरीके से क्या मिला था आपका ग्रैमी अवार्ड। उसके बाद में फालू है एक, फालू एक संग दुनिया के रंगीन के लिए दिया गया था। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर रिकी केज स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ जो है क्या किया गया था देवी स्वार हेतु जो है आपका क्या किया गया था ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। फिर फालू है, फालू को जो है एक रंगीन दुनिया के लिए जो है क्या दिया गया था ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि नाम है यहाँ पर जुबिन मेहता। जुबिन मेहता कौन है, जुबिन मेहता वो है जिन्होंने सबसे ज़्यादा 23 बार, कितनी बार 23 बार इन्होंने ग्रैमी के लिए अपना जो है नाम इनका नामित किया गया, यानी 23 बार इन्होंने क्या है ग्रैमी अवार्ड जो है जीता है या मिला है इनको। 5 बार इन्हें कहाँ मिला है, 5 बार तो यहाँ सिमझनी के लिए इन्हें जो है मिल चुका है क्या ग्रैमी अवार्ड। 5 बार किसके लिए मिला है जुबिन मेहता को, तो सिमझनी के लिए जो यहाँ पर मिला है आपको जुबिन मेहता को। उसके बाद में पहली बार की बात करेंगे कि जो पहली बार है वो हमारा जुबिन मेहता को कब मिला था, तो पहली बार की बात करेंगे यहाँ पर तो 1981 में जो है सबसे पहली बार मिला था। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो प्रमुख विजेता हैं वो कौन कौन है, तो सिंपल सा 3 नेम आते हैं, मैंने आपको बताया था कि पंडित रविशंकर जिनको 5 बार जो है क्या मिला है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद AR रहमान आते हैं जिन्हें 2 बार मिला है, और यहाँ पर जाकिर हुसैन जी आते हैं सब जानते हैं, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 2 बार इनको मिला है। तो यहाँ पर क्लास अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी तो हमारे लिए ज़रूर से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए स्टैटिक जीके की यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।